हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो YT। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डॉक्टर लिस्ट को जो है गेट कर लिया था और साथ ही में इसको क्लिकेबल इवेंट हमने बना दिया था। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए हमको अपॉइंटमेंट्स के पेज पे जो है ये रिडायरेक्ट कर रहा है। अब इस पेज पर हम काम करेंगे, इसको क्रिएट करेंगे और यहाँ पर कुछ डिटेल्स को जो है फेच करा के यूज़र को शो कराएंगे। चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में और एक न्यू पेज हम क्रिएट कर लेंगे। SRC के अंदर पेजेस, न्यू फाइल और इसका नाम हम रख देंगे बुकिंग पेज डॉट जे एस, RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शन विथ एक्सपोर्ट। और यहाँ पर मैं H1 ले लेता हूँ बुकिंग पेज, और इस डिव के बदले इसको लेआउट से रैप कर लेंगे लेआउट। और यहाँ पर सजेशन शो नहीं कर रहा है ना, मैन्युअली इंपोर्ट कर देंगे लेआउट। इंपोर्ट लेआउट फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास लेआउट। सेव कर लेते हैं इसको और app.js में हम क्या करेंगे, इसको इम्पोर्ट कर देंगे। सो इसके लिए एक राउट बना ले, तो यही राउट को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कॉपी पेस्ट, इसका पाथ चेंज कर लेंगे हम, ये रहेगा डॉक्टर और प्रोफाइल के बदले रहेगा यहाँ पर बुकिंग, या फिर इसका पाथ हम कर देंगे बुक अपॉइंटमेंट। और उसके बाद में यहाँ पर हम डायनेमिक आईडी दे देंगे, जो भी डॉक्टर की आईडी रहेंगे वो हम पास करा देंगे डॉक्टर आईडी। और यहाँ पर प्रोफाइल पेज के बदले बुकिंग पेज, देखिए ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे कंपोनेंट ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, बैक कर लेता हूँ और एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। अब इस पर क्लिक करता हूँ, ओके, तो ये रिडायरेक्ट नहीं हुआ ना। और इसका पाथ हम चेंज कर देंगे डॉक्टर लिस्ट में से, बुक अपॉइंटमेंट है ना, तो ये रहेगा स्लैश डॉक्टर स्लैश बुक अपॉइंटमेंट। सेव, चेक करते हैं, चलते हैं वापस पीछे, रिफ्रेश कर लेंगे इसको। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए बराबर से बुकिंग पेज पे हम रिडायरेक्ट हो रहे हैं। अब इस बुकिंग पेज में हम क्या करेंगे, डिटेल्स को जो है शो कराएंगे, लेकिन अभी तो डिटेल्स को हमको गेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक न्यू कंट्रोलर और राउट क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ से फाइल्स को मैं क्लोज कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। हमको चाहिए राउट, डॉक्टर राउट, और इसके अंदर न्यू राउट हम क्रिएट कर देंगे। मेथड जो है पोस्ट ही रहेगा और इसमें हम क्या करेंगे, गेट करेंगे सिंगल डॉक इन्फो को। तो यहाँ पे इसका एंड पॉइंट लिख सकते हैं आप, राउटर डॉट पोस्ट ऑफ, फिर यहाँ पर एंड पॉइंट गेट सिंगल डॉक, या पूरा भी लिख सकते हैं आप गेट सिंगल डॉक्टर, या गेट डॉक्टर बाय आईडी कर देंगे इसको, गेट डॉक्टर बाय आईडी। उसके बाद में ऑथ मिडलवेयर और कंट्रोलर आपको क्रिएट करना है, तो सेम नाम से मैं कर देता हूँ गेट डॉक्टर बाय आईडी कंट्रोलर, इसको कॉपी कर लेंगे। और डॉक्टर कंट्रोलर में नीचे इसका एक न्यू फंक्शन हम क्रिएट कर देंगे और कमेंट भी ऐड कर देता हूँ मैं, गेट सिंगल डॉक्टर कॉन्स्ट गेट डॉक्टर बाय आईडी एरो फंक्शन इसको बना लेंगे। और नीचे हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे पेस्ट, सेव, और राउट के अंदर इसको इंपोर्ट कर देंगे। आर को कट करेंगे, कंट्रोल स्पेस, सजेशन शो करेगा, इस पर क्लिक करिए तो कंट्रोलर ऑटोमेटिकली हमारा इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको। अब हम जो है कंट्रोलर पे काम करेंगे, इस फंक्शन को आपको बनाना है एसिंक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन, इसीलिए रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को हम रिसीव करेंगे। और इसके अंदर जो है हम ट्राई कैच ब्लॉक को ऐड कर देंगे, कैच के अंदर जो भी एरर है उसको कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर, और रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500 डॉट सेंड, इसमें सक्सेस कर देंगे हम फॉल्स, एरर को एज इट इज आपको पास करा देना है। और उसके बाद में मैसेज एरर इन सिंगल डॉक्टर, और ट्राई के अंदर इसको गेट करेंगे कॉन्स्ट डॉक्टर इक्वल टू अवेट डॉक्टर मॉडल डॉट फाइंड वन, किस बेसिस पे हमको फाइंड करना है, हमारे पास है अंडरस्कोर आईडी, और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में हमारे पास जो आईडी आएंगी यानी कि यूजर आईडी आएंगी या फिर डॉक्टर आईडी आएंगी, तो उससे हमको उसको चेक करना है। और जैसे हमको मिल जाती है तो हम यहाँ पे जो है चेक भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी रिस्पॉन्स हम इसमें भेज सकते हैं, जैसे कि रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 200 डॉट सेंड, सक्सेस इसमें कर देंगे हम ट्रू, मैसेज पास करा देंगे सिंगल डॉक इन्फो फेच, और डेटा का ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं पास करा देता हूँ और इसके अंदर जो भी डॉक्टर रिसीव करेंगे उससे पास करा देंगे डॉक्टर। तो यहाँ पे हमारा कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है, सेव कर लेते हैं इसको। अब इसको हम जो है इनिशियल टाइम पे गेट करेंगे, यानी बुकिंग पेज में हमको इसको गेट करना है, तो यहाँ टॉप पे हम क्या करेंगे, फंक्शन क्रिएट करेंगे, या फिर ऑलरेडी हमारे पास हमने डॉक्टर को गेट करके रखा था ना, तो ये सेम फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कॉपी कर लेंगे, यूज इफेक्ट हुक तक कॉपी, और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यूज स्टेट हुक को हमको ऐड करना है, यूज स्टेट, और यहाँ पर एक्सियोस को भी इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, और एंड पॉइंट हमको चेंज करना पड़ेगा, ये जो एंड पॉइंट है इसके बदले रहेगा डॉक्टर स्लैश, और क्या दिया था हमने इसका नाम, गेट डॉक्टर बाय आईडी, तो इसको हम यहाँ पे पास करा देंगे गेट डॉक्टर बाय आईडी, और इसमें हमको जो है डॉक्टर आईडी को भी पास कराना है,
जो कि पराम्स में से आएंगे ना, तो उसको भी इम्पोर्ट कर देंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले इम्पोर्ट यूज पराम्स हो फ्रॉम रिएक्ट राउटर टॉम, इसका एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे कॉन्स्ट पराम्स इक्वल टू यूज पराम्स, और यहाँ पे इसको पास करा देंगे डॉक्टर आईडी। ये आएगा पराम्स में से, पराम्स डॉट डॉक्टर आईडी। एक बार चेक कर लेता हूँ कंट्रोलर में, यही नाम दिया है ना हमने, ये देखिए डॉक्टर आईडी। तो इसको हमको यहाँ पर पास करा देना है और सब कुछ सही है, इसमें कुछ भी चेंजेस की जरूरत नहीं है। यूज इफेक्ट हुक को भी इम्पोर्ट करना है, तो यहाँ पर इसके बाद में यूज इफेक्ट हुक को भी हमने ऐड कर दिया, और ES लिंट को डिसेबल कर देता हूँ मैं यहाँ पर। ES लिंट डिसेबल नेक्स्ट लाइन सेव, चेक कर लेते हैं एक बार। चलते हैं एप्लीकेशन पर और इसको रिफ्रेश कर लेंगे, इंस्पेक्ट करके एक बार चेक कर लेंगे। नेटवर्क टैब रिफ्रेश, और यहाँ पर एरर आ रहा है कुछ तो भी, रिक्वेस्ट के अंदर रिस्पॉन्स, ओके API नहीं मिल रही है इसको। ये गेट के बदले पोस्ट मेथड रहेगा, एक्सियोस डॉट पोस्ट, सेव कर लेते हैं इसको और फिर से एक बार चेक कर लेंगे। रिफ्रेश, तो देखिए सक्सेसफुली ये कॉल हो रहा है, गेट डॉक्टर बाय आईडी, और उसके अंदर हमारे पास डॉक्टर की इन्फो आ रही है। इसको हमको इस पर फेच कराना है पहले, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको फेच करा देंगे। मैं क्लास ऐड कर देता हूँ कंटेनर की, और इसके अंदर हम जो है इसको डिस्प्ले करा देंगे। H1 ले लेता हूँ मैं पहले, और इस H1 में लिख लेंगे डॉक्टर डॉट, फिर डॉक्टर में से हम क्या करेंगे गेट कर लेंगे। और हाँ कंडीशनली जो है गेट करना है, तो इसको कट कर लेंगे पहले, और यहाँ पर चेक करेंगे अगर डॉक्टर है तभी जो है हमको यहाँ पर चेक करना है, तो यहाँ पर रिटर्न कराएंगे। और H1 ले लेता हूँ मैं यहाँ पर H1, और ये डॉक्टर नहीं मिल रहा है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं डॉक्टर से। ओके H1, H1 में हम क्या करेंगे सबसे पहले डॉक्टर लिख लेंगे DR, फिर उसके बाद में डॉक्टर्स डॉट फर्स्ट नेम, इसी तरीके से लास्ट नेम भी ऐड कर देंगे। फर्स्ट को कट करके यहाँ पे मैं अब लास्ट कर देता हूँ उसको, लास्ट नेम चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पर नाम भी बराबर से आ रहा है, और इसको कट कर देता हूँ मैं, और H1 काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो इसको हम कर देंगे H3, और इसको भी H4 कर देंगे। इसके बाद में मैं एक और H4 ले लेता हूँ, और इसमें फीस हम ऐड कर देंगे, फीस जो भी डॉक्टर की फीस है वो यहाँ पर शो करो, डॉक्टर्स डॉट फीस पर कंसल्टेशन, जो भी आपके पास मॉडल में है फीस पर कंसल्टेशन, सेव। और H4 का इशू है यहाँ पर, अच्छा इसको डिव में लेना पड़ेगा, एक डिव हम ले लेंगे और सब कुछ जो है डिव के अंदर रैप कर लेंगे। सेव, चेक करते हैं, तो देखिए यहाँ पर बराबर से आ रहा है डॉक्टर, डॉक्टर नेम, फिर उसकी फीस, और यहाँ पर उसकी टाइमिंग शो करा देंगे। उसके बाद में फिर हम यहाँ पर ऑप्शन देंगे सेलेक्ट करने का, तो टाइमिंग को भी आपको शो कराना है। H4 को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पर हमारे पास है टाइमिंग्स। टाइमिंग्स में हमारे पास मल्टीपल टाइमिंग्स है ना, तो उसका एरे इंडेक्स हम गेट कर लेंगे, टाइमिंग्स जीरोथ पोजीशन, और फिर हम यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन भी जो है गेट कर लेंगे। इसी को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट फर्स्ट पोजीशन, और यहाँ पर मैं टाइमिंग्स कर देता हूँ, सेव, चेक करते हैं एक बार। तो देखिए टाइमिंग भी यहाँ पर आ रही है। अब जो है बुकिंग का ऑप्शन हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे, और इस डिव को जो है मैं यहाँ से मार्जिन दे देता हूँ 2 का, तो थोड़ा सा हमको मार्जिन भी देखने मिल जाएगा। अब नीचे हम क्या करेंगे यहाँ पर एक और डिव जो है ऐड कर लेंगे, और इसके अंदर जो है क्लास ऐड कर देंगे डी फ्लेक्स, और एक क्लास में ऐड कर देता हूँ फ्लेक्स कॉलम, तो ये कॉलम की शक्ल में हमको देखने मिलेगा। और इसके अंदर हम क्या करेंगे डेट पिकर का यूज कर लेंगे, देखिए ऑप्शन शो कर रहा है डेट पिकर, इस पर क्लिक करिए एंड डिजाइन में से इम्पोर्ट हो जाएगा सेल्फ क्लोजिंग टैग। इसमें हम फॉर्मेट ऐड कर देंगे फॉर्मेट, और इसमें हमको चाहिए DDMM वाई वाई वाई, तो इस टाइप का हमको फॉर्मेट चाहिए। और उसी के साथ में हम क्या करेंगे रेंज पिकर को भी ऐड कर देंगे, सो टाइम पिकर का आप यूज करें, देखिए एंड डिजाइन में आपको मिल जाता है टाइम पिकर। इसके बाद में हम क्या करेंगे इसके अंदर से रेंज पिकर को ऐड कर देंगे सेल्फ क्लोजिंग टैग, फिर फॉर्मेट आपको ऐड कर देना है फॉर्मेट, और इसमें जो फॉर्मेट रहेगा वो रहेगा HHMM, और इसके बाद में नॉर्मल बटन में ऐड कर देता हूँ बटन, जिसमें हम अवेलेबिलिटी चेक करेंगे, और इसको क्लास दे देंगे हम क्लास नेम BTN, BTN प्राइमरी, मार्जिन टॉप से 2, सेव कर लेते हैं और एक बार देख लेंगे कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है, देखिए डॉक्टर टाइमिंग इज अनडिफाइंड ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे पहले जो है ना स्टेट क्रिएट कर लेंगे टॉप पे। सो इस डॉक्टर के बाद में हम क्या करेंगे दो तीन स्टेट क्रिएट कर लेंगे, जैसे कि डेट के लिए कॉन्स्ट डेट सेट डेट इक्वल टू यू स्टेट, और फिर क्या करेंगे हम यहाँ पर जो है टाइम के लिए भी ऐड कर देंगे टाइमिंग्स सेट टाइमिंग्स इक्वल टू यू स्टेट, और फिर अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए पर उसका एक वेरिएबल बना देंगे कॉन्स्ट इज अवेलेबल सेट इज अवेलेबल इक्वल टू यू स्टेट, और यहाँ पर हम इसमें पास करा देंगे ऑन चेंज, इसमें एरो फंक्शन आपको कॉल कर देना है, और इसमें हम मोमेंट का इस्तेमाल कर लेंगे मोमेंट, इसको इम्पोर्ट भी कर लिया। मोमेंट की मदद से हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू को जो है गेट करेंगे, तो यहाँ पे आपको एज आर्ग्यूमेंट जो है वैल्यू को भी गेट करना है वैल्यू,
और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको फॉर्मेट कर देंगे, फॉर्मेट डी डी एम एम वाई वाई वाई, सेव कर लेते हैं इसको। और इसी तरीके से हमको क्या करना है, टाइम पिकर को भी जो है सेट कर देना है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको जो है ना सेट कर देंगे हम पहले शुरू, यहाँ से मैं कट कर देता हूँ, और इसको हम करेंगे सेट डेट, और इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। इसी तरीके से रेंज स्पीकर में ऑन चेंज एरो फंक्शन, इसमें हमको करना है सेट टाइमिंग्स को, और इसमें भी मोमेंट का यूज़ कर लेंगे हम, और वैल्यू को हम गेट करने वाले हैं इसमें भी। तो इसमें दो वैल्यू है इसलिए मैं वैल्यूज लिखूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर हम वैल्यूज के अंदर जो है ना टाइमिंग को गेट करेंगे। तो ये रहेगा एरे, और इसके अंदर भी मोमेंट का यूज कर लेंगे, मोमेंट वैल्यूज को पास करा देंगे, वैल्यूज ऑफ 0, उसके बाद में फॉर्मेट, फॉर्मेट के अंदर एच एच एम एम हम पास करा देंगे, कॉपी कर लेते हैं इसको, नीचे पेस्ट कर देंगे, और फर्स्ट वाले इंडेक्स के लिए भी कर देंगे, सेव कर लेते हैं इसको। और आई थिंक ये काम करना चाहिए, चलते हैं एप्लीकेशन पर, इसको रिफ्रेश कर लेंगे। डॉक्टर टाइमिंग इज अनडिफाइंड, तो टाइमिंग्स एक बार चेक कर लेंगे, ये रहा टाइमिंग्स, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, सेव। तो देखिए ये बराबर से आ रहा है, और डेट नहीं आ रही थी ना, चलो इसको अनकमेंट करके चेक कर लेते हैं, सेव। तो देखिए डेट भी बराबर से आ रही है, और ये कॉलम में नहीं आ रहा है, सिर्फ इतना एक हमारे पास इश्यू है, फ्लेक्स हो गया ये फ्लेक्स है, फ्लेक्स कॉलम, सेव। तो देखिए एक के नीचे एक आ चुका है, और इसका साइज भी थोड़ा सा कम कर देंगे हम, विड्थ इसकी 50 कर देंगे, तो कुछ इस तरीके से आएगा। और इस डेट पिकर को मैं क्या करता हूँ, क्लास दे देता हूँ, क्लास नेम, मार्जिन दे देता हूँ मैं इसमें 2, सेम हम क्या करेंगे रेंज पिकर में भी कर देंगे, पेस्ट सेव, चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास डेट और टाइम पिकर हमारे पास शो कर रहा है। अब हमको क्या करना है, जैसे इसके ऊपर क्लिक हो, यानी चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक हो, तब हमको जो है चेक करना है कि वो डेट और टाइमिंग पर डॉक्टर अवेलेबल है या नहीं। तो ये फंक्शनैलिटी हमको ऐड करना है, तो उसके लिए हम न्यू राउट और कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।